ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਪਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕੋ ਨਾ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਭੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੱਬਰ अच्छा चौधरी भोला साहब दसो कि पेट्रोल लाने 200 रुपया लीटर हो गया ये गल है जी पेट्रोल बहुत महंगा कह 270 रुपया लीटर हो गया 270 रुपया लीटर हो गया हां उनसे मोटरसाइकिल घर खड़े सा गड़ियां घर खड़े सा तकाना बंद करी घर बेदे सोचता है क्या करसा हूं दसो पेट्रोल वैद ऐसी चीज है जिसकी कीमत वध है तकरीबन हर चीज है पर फर्क पेना हर चीज है नी रेट है पर फर्क पेना वो दसो कि क्या है सुना हल क्या साड़ी हुकूमत भी करे हाल तो ही हुआ है पेट्रोल इतना रोज हर हफ्ते बाद महंगा किया उन्होंने और दूसरा नंबर आवाम गरीब क्या कर सी सर भुखे मरसी तुसने तो कहने चलो आटा उसी माशाल्लाह तो आटा भी नहीं लगना पे ऐसा क्या हाल कोई मतलब कोई मशीनरी कम करनी भी हुकूमत नहीं कोई चीज़ है नहीं सर कोई हुकूमत नहीं ना कोई दुकान चलना पाया अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ना क्या जी तुम्हें ना जी मेरा नाम मोहम्मद वलीद कैसर अच्छा वलीद ये दसो कि पेट्रोल जरा वा आखने 150 रुपया लीटर हो गया मैं तो सुनता कि 250 तो ऊपर हो गया सौ 150 रुपये आने पे कि पाकिस्तान पुराने ही रहने पे या नवे असं कि अज रिपोर्ट आई सी पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया अगर हो जाए ठीक है अगर हो जाए तो और साड़ी की क्या चाहिए ना पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी क्या नाम जी तुम्हारा नाम फैसल महमूद जी अच्छा फैसल महमूद पेट्रोल आने महंगा होया तुसें 150 रुपया ये जनाब वाला नहीं महंगा होना चाहिए ना सस्ता होना चाहिए ना जकदम इन 35 रुपये बधाई छोड़े कि बधाए ने अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम जी क्या नाम जी तुसा ना जी मां नाम अब्दुल रहीम है क्या करने हो जी मैं बारबर शॉप ना काम करना है बारबर शॉप अच्छा रहीम साहब दसो कि पेट्रोल आने काफी महंगा हो गया तो तुसा ने सेहत पर क्या असर पिया जी बुझे अंदर आया कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा होना पे हो ही नहीं गया होना पे ठीक है असर है कि असर सारे पैसे साढ़े क्या पैसे सारी आवाम पर पैसे है गरीब आवाम ना खून चूसने पे महंगाई करी गए लोगों की आटा नहीं मिलना पाया पेट्रोल नहीं मिलना पाया पिछले दिन पेट्रोल बंद सी शार्ट किया सी है बहुत सारा फर्क पैना पे हर चीज़ महंगी होनी पी है डॉलर पाउंड हर चीज़ का रेट चढ़ी है ये आने से जी नवी टीम आई मुस्लिम लीग नून नहीं PDM वो मुल्कै विच रानी बड़ा कम कर सी क्या किया सर असं तो लगे कोई काम नज़र नहीं आया जिसने कोई काम किया हो नज़र अच्छा है फिलहाल मिंग पाई होनी पी हर पास बंदा बहुत सारा तंग है गरीब आवाम बहुत सारे तंग है इन्होंने अगर बोल कुछ दसो इंशाल्लाह खैर वायद तरीके इंसाफ की जी क्या नाम है तुसा ना मोहम्मद मुनीर क्या काम कर रहे हो बिल्डिंग ना काम कर रहे हैं अच्छा आने पेट्रोल महंगा हो गया फिलहाल तो खबर को नहीं पाया को नहीं आज तो मोटरसाइकिल स्टार्ट है आना साइकिल आना जी स्टार्ट नहीं है स्टार्ट भी है अच्छा जी पेट्रोल आने 35 रुपये जनाब लीटर महंगा बस अल्लाह पाक दया दया जी नहीं क्या करी सकने असा कुछ की बस या हुक्मराना की और कुछ की अच्छा जी कड़े हुक्मरान है जे हकम साडे मुल्क हुक्मरानी करने पे जी और अच्छा जी ते कुछ की वोट देसो इंदा वोट अल्लाह ही जाना सोचसा सोचो जी सोची बात बंदा गया सारे पर बेजार हैं थे सच्ची दसा गल ईमानदारी गल है चलो ठीक है अल्लाह आसानी अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम जी क्या नाम जी तुसा ना मोहम्मद अजीम मोहम्मद अजीम क्या काम करने हो असा जी लकड़ी ने कम बस शुक्र लाया वा आने पेट्रोल महंगा हो गया बस येरा क्या करे पेट्रोल हुन तुसाने सामने ही है ना मुल्की हालात सारी खराब ने केड़ी चीज सस्ती है पेट्रोल है या गैस है सब कुछ महंगा ही है ते ए बस गरीब बंदे नहीं एक जरा ना बिल्कुल एंड ते बचाया ने यानी के जुल्म ते सा आखी ना सकने हुन ते इथो कटने वाली गल है बिल्कुल ऐसा ही है सही है सही है ते इस तो अगे कोई नहीं मुल्क पहले भी फारग सा जड़ी कसर रही गई शहबाज शरीफ साहब कढ़ने पे बिल्कुल सही था अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात क्या नाम तुसा ना जी मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है जनाब क्या काम करने हो मैं तकरीबन 36 साल सऊदी अरबी रह गया वापस आया पाकिस्तान में बड़े जज्बात ला के कि अपने मुल्क बाकी जिंदगी गुजारसा इतना छोटा मोटा बिजनेस करसा बच्चे रहसा लेकिन जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है बल्कि शुरू तो ही हालात समझेंगे जो मौजूदा हालात है इस तू किस तरह लोग गुजर वकात करने पे था कारोबारी लोग छोटे च बड़े हर बंदा इतना परेशान है इस टाइम कि जिसमें कोई हद नहीं
सुबह हालात हो रहे मिनट मिनट बाद हालात बदलने पे और साढ़े हुकुमरान है कि इस मुल्क की इस तरह बेदर्दी ने लुट लिया है अपना पैसा बाहर भेजने पे और अवाम ना कोई दाग रस्सी करने वाला कोई नहीं बिल्कुल जबरदस्त ठीक पाजी ना क्या तुसा ना मंजूर हुसैन जनाब मंजूर हुसैन मौजूदा जनाब जरा अजकल रेट जरा पेट्रोल महंगा होया इसने बारे तुसन क्या तसरात है कोई नहीं जनाब चलना मैं मोटरसाइकिल सामने स्टार्ट किया पेट्रोल खत्म हो गया पेट्रोल खत्म हो गया क्या कार खलाई है यार ते अल्लाह ही होना हो जा सारा भी ते अवाम ना भी ते घुमराना ना भी ना हूँ थे आप सही मजे भी चसो तब्दीली ने मजे कौन नहीं आने दो दिन बाद फिर मजा बजी दसी आने अच्छा हाँ जी आने त्रास से ऊपर जासी जी जी ते भाई ने गड्डी खिलाई सटी जी तो मोटरसाइकिल जड़ा वा गड्डी खिलाई तो आया जी गड्डी कल खिलाई तो है मोटरसाइकिल गड्डी तो ये भी उड़ाना हम भी खिलाई उड़ो अच्छा वो आया ना पेट्रोल मेहरबानी करे ते कोई पैगाम देने चाहो पैगाम असा किसकी दिया आवाम ये सारी माशाल्लाह ये सही पता या आज भी निकलो जनाब तो बाहर निकली जनाब नून वास्ता भी तो पीटीआई वास्ता भी तो सारे वास्ता है अपनी कुछ कोई फिक्र नहीं आवाम गरीब जनाब उठा ही जनाब रोंदे रात नहीं भी क्या नाम तू सुना मैं मन शोएब कितने रहने ले हो इस्लामपुरा जबर इस्लामपुरा जबर शोएब साहब ये दसो कि पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया मुल्क की हालात बड़े खराब क्या आने तुसा एक हुकूमत इन्हें सामने नहीं होनी अच्छा ठीक है तो पेट्रोल महंगा आटा महंगा है ठीक है और मजदूर बंदा इसलिए बहुत मुश्किल है ठीक है दो टाइम नहीं रोटी नहीं पूरी करी सकना ठीक है तो ये हूँ मुल्क अमरीका ने वाला है उसी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम बाबा ना क्या तुसा ना ज़ियाफ़त जी कितने रहने वाले हो इस्लामपुरा जब्बर अच्छा ज़ियाफ़त भाई दसो कि पेट्रोल भी महंगा आटा भी महंगा लभना नहीं पिया ये मुल्की लात क्या कुछ बनने पे कुछ भी नहीं बनने पे क्या बन सी पेट्रोल भी महंगा हो गया गरीब आटा खाने से तंग हो गया वाह हालात सख्त माड़े वे दूसरी तरफ तक सारा डॉलर हो गया या पाउंड हो गया उस रेट तक करो तो ये मौजूदा जी पी डी एम आई है जी मुल्क ने तकदीर सवार सी ये क्या बनता इन्ना मारी छोड़ा जी गरीब आवाम की गरीब आटा की नहीं सी तो बाली कैसे पर पका सी उसने जो पकाने वास्ते उसने को लकड़ी कोई नहीं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या नाम तुसा ना मोहम्मद सिकंदर किथे रहने ले हो गोड़ापुरा मंदाल विच जी जी अच्छा ते कोई मुल्की लादने बारे दसो आने पेट्रोल महंगा हो गया मुल्की लादने बारे क्या दसा तुसा की इक गल वैद बंदा उसने बारे गल करना इत्थे सारा है तानी बिगड़ी वी इक पेट्रोल नहीं महंगा हो गया इत्थे हर एक बंदा मतलब माफिया बनी तो बैठा हुआ जिस बंदे को अगर दो चार लीटर पेट्रोल भी आना उसनी भी सोच गलत है हुक्मराना ही क्या खा आम बंदे ही क्या खा आम दुकानदार तो छोटे तो छोटे कि बड़िया तक सारे ने ही हाल आ इस हवाले क्या दसी सकने असा मतलब असा अपना आप ठीक करने के बजाय दुए पर तनकीद करनी शुरू की थी जब तक असा अपना आप ठीक न कर सारा कुछ भी नहीं बनी सकना आखने से कि हुकूमत आखनी सी कोई बंदा गरीब नहीं रहनगा हमारे हालात कोई बंदा गरीब नहीं बचना पाया बिल्कुल सत रहा कोई भी नहीं बचन लगा अच्छा आए दिन सुनने पे फलानी जगह बंदा मतलब खुदकुशी करी गया आटे नहीं वजह तू करी गया बच्चे के अस्पताल करने नहीं वजह तू करी गया गरीब जिला मरी जासन तो बच्ची को थू क्या नाम तुसा ना तारक मोहम्मद जी किथे रहने वाले हो आदल मार सामने था जबरी महंगाई कितनी आके है वो महंगाई है जी पेट्रोल मिलना पया नहीं मिलना जी आटा मिलना पया नहीं मिलना जी ओके मिलना क्यों मिलना पया मुश्किल है जी नहीं लग रहा कैसी चीज मिलनी पी कुछ नहीं जी महंगाई महंगाई गरीब बंदा क्या करा है अच्छा गरीब बंदा कुछ नहीं ले रहा पेट्रोल क्या लीटर हो गया दो ढाई सौ तो पर ही हो गया जनाब ढाई सौ तो उतर हो गया डालर की रेट हो गया डालर गरीब बंदे डालर क्या पता अच्छा क्या मशवरा देने चाहो पैगाम देने चलो नहीं जी गरीब बंदे हैं जी सारा कुछ करो और क्या अच्छा जी थोड़ी क्या हेल्प की जरूरत है यह सौदा पानी किन्ने होने जी और क्या बस गरीब बंदे आटे शाटे जरूरत पैनी है पाकिस्तान जिंदाबाद अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर क्या नाम तुसा ना जी काशिफ अली अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी क्या नाम तुसा ना मोहम्मद असद क्या काम करने हो आप भाई रक्षा चलाने हो सब रक्षा चलाने हो जी जी रक्षा चलाने हो पेट्रोल बोया अजकल जी बोया क्या लीटर लगा 265 रुपया जी तुसा बोया जी जी बिल्कुल बोया 265 रुपया लीटर और उस तुसा दिहाड़ी ना कितना कमाई किन्ने हो अज्जा ने तुसा की रूटीन दसी है तो वह असा लाया एक फेरा उसने जो 200 रुपये ना इस वेला सवारी पैसे भी कोई नहीं भरने तो ना ही कोई बाहर निकलना कम थे कोई नहीं बुरे लाते
बहुत लोग मजबूर है, मतलब काफ़ी परेशान कौन सूरत हाल है, मजदूरों की मजदूरी लभनी और थोड़ी लभनी, लेकिन वो है कि अपनी चीज़ें नहीं पूरी कर सकने, बहुत बहुत मुश्किल है जी। हूँ तुम्हें दसा कि घर आटा भी खड़ना मुश्किल हो गया, बाकी सारिया चीज़ा रही दूरियाँ।